हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपने थंबनेल देखा और देख के समझ गए होंगे, आज हम टेम्परेचर एरर पे वीडियो बना रहे हैं और इसमें आपको अपना सलूशन मैंने बताया है डिवाइडर सर्किट बना करके। एक बार नज़दीक आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एवरेज वोल्टेजेस बताए हैं, ये देख सकते हैं एवरेज वोल्टेजेस है ये। अगर वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा आपका तो टेम्परेचर लो होता चला जाएगा, और अगर वोल्टेज लो होता चला जाए तो आपका टेम्परेचर हाई का एरर आ जाएगा। तो टेम्परेचर लो में येलो मार्क आता है और टेम्परेचर हाई में आपको ऑरेंज मार्क आएगा। और ये सर्किट हमने बनाया है और ये ज़्यादातर सैमसंग और वीवो के मॉडल्स में आपको ये डिवाइडर सर्किट जो है सब बोर्ड में मिलता है, जिसको आप बाईपास करके ऐसा पावर एसी से एक 1.8 का वोल्टेज लेकर के R1 नॉर्मल रजिस्टर, R2 हमारा थर्मिस्टर लेकर के एक डिवाइडर सर्किट बना करके CPU में आप ये वोल्टेज को दे सकते हैं, जो कि 0.9 वोल्टेज होता है, जो कि बैटरी थर्मल का है। तो ये है सर्किट, हमने लाइव प्रैक्टिकल और अगर सब PCB में ये नीचे के जो थर्मिस्टर रजिस्टर ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपका थर्मिस्टर का ये वाला एरर, टेम्परेचर लो हाई का एरर अब नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसका जो टेम्परेचर का सर्किट है वो हमने ऊपर बना दिया है मेन बोर्ड में। तो कैसे बनाया है इस वीडियो में देखिए, और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये वीडियो आप सबके लिए गिफ्ट है। और आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स करना है तो 5 नवंबर से मेरा ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें मैं सारा यही प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाता हूँ आपको। 6 महीने तक मेरा एप्लीकेशन होता है, जिसमें हार्डवेयर और स्कीमेटिक, फॉल्ट फाइंडिंग और जितने भी सेक्शंस हैं, लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक, नेटवर्क, सुपर अमोलेड, 4G, 5G सब कुछ बताता हूँ। पावर का बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है, मोबाइल कैसे ऑन होता है, बक सर्किट क्या है, LDO क्या है, VREG क्या है, सब कुछ बताता हूँ डीप नॉलेज में। तो आपको अगर सीखना है ऑनलाइन कोर्स, अभी ऑफर चल रहा है सिर्फ 5 नवंबर वाले बैच के लिए, सिर्फ 5,000 फीस है, बाकी नवंबर के बाद ये फीस हमारी 15,000 ऑलरेडी होती है, जो कि अभी दिवाली के लिए स्पेशल ऑफर है। तो वीडियो पर एंड तक देखिए, और भी हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस की वीडियो ऐसे अपलोड होते रहेंगे हमारे चैनल पर, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, और वीडियो बिल्कुल स्किप किए हुए आप देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे आज हमारे पास सैमसंग का M307 एक हैंडसेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, अधिक से बताना चाहूँगा M307। और प्रॉब्लम इसमें जो है चार्जिंग का प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर पोर्ट में हम जैसे इसमें लगाते हैं तो ये टेम्परेचर का फॉल्ट होता है, देख सकते हैं 1.8 पूरा एम्पियर लेगा यहाँ पर, और उसके बाद ये एम्पियर डाउन हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग टेम्परेचर टू लो का एरर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। और ये एरर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, कैसे रिपेयर करना है इसको अभी लाइव बताऊँगा। एक और बार निकाल के यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं, देख सकते हैं फिर से हम 6 नंबर में लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, पहले तो ये पूरा 1.8 मतलब 2 एम्पियर के आसपास पूरा कंज्यूम करेगा, उसके बाद 0.6-0.5 ऐसा होगा, फिर ये डाउन हो जाता है। देख सकते हैं 9% इसमें चार्जिंग है और कुछ देर बाद टेम्परेचर लो का एरर यहाँ पे आ जाता है, ये देख सकते हैं पूरा 0-0 हो चुका है, और अभी इसमें एरर जो है हमारा टेम्परेचर टू लो। तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स इसमें सब PCP पे वर्क करते हैं, थर्मिस्टर निकाल देते हैं या थर्मिस्टर लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर पता नहीं है कि इसको रिपेयर कैसे करना है, क्या फॉल्ट आता है यहाँ पर। अभी मैं सर्किट के थ्रू भी बताऊंगा और डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा कि कैसे इसको रिपेयर करना है। और आज हम इसमें जो नीचे का सब बोर्ड है इसका इस्तेमाल ना करके मेन बोर्ड में ही हम डिवाइडर सर्किट बना करके इस हैंडसेट को रिपेयर करेंगे। सब बोर्ड आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 रजिस्टर्स को लेकर के आप ऊपर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक डिवाइडर सर्किट बनाना होता है, वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनाते हैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको, वो भी देखिए। जो भी आपका Vin का वोल्टेज होता है उसको कैसे डिवाइड करना है रजिस्टर्स के थ्रू, ये भी बताऊंगा। ज़्यादातर जो सैमसंग के बोर्ड्स में, जो सब बोर्ड में जो थर्मिस्टर लगे होते हैं 100K के, उसके साथ 100K का रजिस्टर लगा होता है। आज हम ऐसे ही सर्किट जो नीचे है उसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे और ऊपर ही बनाएंगे, दूसरा सब बोर्ड आपको डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो हम ऊपर रिपेयर करेंगे। कैसे करना है ये बताएंगे, अगर प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप उसको बना पाएंगे।
जो थर्मिस्टर का जो एरर है इसमें, इस तरह का प्रॉब्लम चार्जिंग टेम्परेचर टू लो और टू हाई में आता है। टू लो कब होगा और टू हाई कब होगा ये भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। और ऐसा प्रॉब्लम वीवो के काफ़ी सारे सेट्स में आता है और सिमिलर सर्किट होता है वीवो के सेट में भी, जहाँ पर आपको प्लीज़ कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस ऐसे मैसेज आ जाता है, जो कि टेम्परेचर का एरर होता है, चार्जर एरर लिखा आ जाता है। तो आज हम सैमसंग के जितने मॉडल्स हैं सब में आप इस सर्किट को अप्लाई करके आप टेम्परेचर के एरर को हटा सकते हैं, चाहे टेम्परेचर लो हो या फिर टेम्परेचर टू हाई हो। तो उसको चलिए समझते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास सैमसंग का A307 का जो बोर्ड है उसका मैंने यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाया है। और जो हमारा सब बोर्ड है इसमें आपको दो रजिस्टर्स मिलेंगे, एक 100K का जिसको हम R1 कहते हैं और दूसरा होता है R2 जो कि 100K का थर्मिस्टर होता है। दोनों लगे होते हैं और यहाँ पर आपको पावर IC से पहले 1.8 VIO का वोल्टेज अपने R1 में इन होगा और R1 होकर के वो R2 में जाएगा। और यहाँ पर जो R2 होता है वो पैरेलल में लगा होता है जो कि 100K का थर्मिस्टर होता है। और ये दो रजिस्टर मिलकर के डिवाइड करके उसमें 0.9 का रिटर्न में ये CPU तक पहुँचाते हैं। और CPU में जो लाइन जाती है उसको हम बैट थर्म के नाम से जानते हैं और A13 पिन नंबर में ये वोल्टेज जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास सर्किट डायग्राम है, बिट मैप है और ये इसका चार्जिंग का जो डाटा है हमने यहाँ पे ओपन किया है। ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो CPU में जो लाइन जाती है बैट थर्म के नाम से और ये लाइन यहाँ पे जाती है A13 वाली पिन में यहाँ पर, और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी बताई है। और ये जो आपकी लाइन कनेक्ट होती है सीधा सीधा आपके जो मेन PCB कनेक्टर के ऊपर से 2 नंबर पिन में बैट थर्म के नाम से ये रिटर्न जाती है CPU को। और यहाँ पर पहले इसको 1.8 वोल्टेज दिया जाता है और वो वोल्टेज नीचे जाकर के सब PCB में डिवाइड होकर के रिटर्न में CPU को जाता है। तो यहाँ से ऊपर से 2 नंबर पिन पे अगर हम यहाँ पे अगर चेक लगाएंगे ये देख सकते हैं ये लाइन सीधे सीधे CPU में जाती है। और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे क्या नंबर पर जा रही है, A13 नंबर पिन जो कि हमारी बैट थर्म की लाइन होती है। यहाँ पे मैंने आपको चार्जिंग में भी बताया है, देख सकते हैं तो ये लाइन में प्रॉब्लम वोल्टेज लो या हाई हो जाने की वजह से प्रॉब्लम आता है। ये इसका स्कीमेटिक का हमने डायग्राम ओपन किया है, ये लेआउट हमारे पास है HEA 6000। अगर आकर के आप स्कीमेटिक में फाइंड आउट करेंगे कंट्रोल भी, ये हमारा मेन कनेक्टर और इसमें अगर आप देखोगे बैट थर्म की जो लाइन होती है हमारी यहाँ पे देख सकते हैं ये बैट थर्म की लाइन 37 नंबर, यानी 40 पिन का कनेक्टर है। 37 नंबर जो पिन है इसकी बैट थर्म की लाइन होती है जो कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी हार्डवेयर सॉल्यूशन से आपको बता दिया है। पर यहाँ पर 1.8 वाली लाइन का इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया है और इसके पास में ही ये जो 3 नंबर की पिन है मतलब 37 के बाद वाली पिन ये 1.8 की सप्लाई होती है, ये इसको मिलनी चाहिए इसके बाद वाली पिन ये वाली। यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज आता है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इधर से 3 नंबर की कॉर्नर से ये वाली ये वाला। यहाँ पे आप देखोगे तो VDD 1.8 का ये वोल्टेज आता है यहाँ पर 37 के बाद 35 नंबर पिन जो है 1.8। तो ये वोल्टेज सब PCB में जाता है जो कि हमारा सब PCB है। यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर कोई भी इसका डिटेलिंग नहीं दी है बट यहाँ पे 2 नंबर जो पिन है हमारी यहाँ पे ही वोल्टेज आता है 1.8 का, रिटर्न में जो वोल्टेज जाता है 21 नंबर पिन से CPU को जाता है। और यहाँ पे भी देखिए ये हमारा बिट मैप है, अगर बिट मैप में अगर हम देखेंगे तो थर्मिस्टर वगैरह जो लगे होते हैं हमारे यहाँ पे लगे होते हैं। ये जो लाइन है हमारी 1.8 की लाइन है जो कि 3 नंबर की यहाँ से नीचे से 3 नंबर में आएगी जो कि सपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पर, और जो रिटर्न जो हमारा वोल्टेज जाता है वो जाता है यहाँ से थर्मिस्टर से। हमारा थर्मिस्टर है ये रिटर्न में यहाँ से डिवाइड होकर के
ये दो नंबर यानी आगे से दो नंबर पिन से रिटर्न आपके सीपीयू में ये लाइन यहाँ से जाती है, बट इन्होंने हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये सारा कुछ भी नहीं बताया है। अब हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, इसके थ्रू आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसे रिपेयर करना है ये सारा चीज़ देखेंगे। चलिए पीसीबी में आते हैं और बोर्ड में अगर देखेंगे तो थर्मिस्टर्स वगैरह जो सर्किट होता है इसका थर्मिस्टर, यहाँ पे थर्मिस्टर का सर्किट लगा होता है, बट यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा पीसीबी क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीसीबी यहाँ पे डैमेज है, तो यहाँ पे काम किया हुआ है। यहाँ पे आपका लगता है एक थर्मिस्टर और R1 जो आपका लगता है यहाँ पर, जो कि दोनों मिसिंग है। और ये जो इसका कनेक्टर है यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो इसका कनेक्टर है दो नंबर पिन यहाँ और तीन नंबर पिन, ये दोनों पिन इसके इम्पोर्टेंट है। दोनों पिन पे ही आपको सारा सप्लाई चेक करना है। दो नंबर से जो सप्लाई जाता है सीपीयू में जाता है यहाँ से, ये दो नंबर वाली पिन, और तीन नंबर वाली पिन से यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज यहाँ पे आता है डिवाइडर सर्किट में। एक बार लाइन को हम ट्रैक करके भी चेक कर लेंगे। यहाँ से बीप बजा कर भी चेक कर लेंगे कि हमारा ट्रैक सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट वाली ट्रैक है जो कि यहाँ से दो नंबर के साथ कनेक्ट है जो कि सीपी में जाती है, और ये जो एक ये सीपी में जाने वाली ट्रैक है, और जो तीन नंबर पिन है वो यहाँ से कनेक्ट होती है जो कि अभी ये लाइन यहाँ तक मिसिंग है, और यहाँ पर इन्होंने कुछ बोर्ड में डैमेज भी कर दिया है। तो हम ये वाला सर्किट ना यूज़ करके हम अब ऊपर यहाँ पर ही एक सर्किट बनाएंगे अपना, और यहाँ पर एक थर्मिस्टर को लगाएंगे और एक 100K का रजिस्टर बनाएंगे, और जो सीपीयू में जाती है हमारी लाइन ये ऊपर से दो नंबर पिन यहाँ से रिटर्न जाती है। ये देख सकते हैं ये जो डॉट दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये डॉट में आपको सीपीयू तक कनेक्ट होता है, और ये जो रजिस्टर है यहाँ पे आपको 1.8 का एक वोल्टेज मिलता है। जब चार्जर लगाएंगे आप तो यहाँ पे वोल्टेज मिलता है। एक बार मैं वोल्टेज भी बता देता हूँ आपको, हम इसी वोल्टेज को लेकर के यहाँ पर आज डिवाइडर सर्किट हम बनाने वाले हैं। तो DC 20 पे रखेंगे और चार्जर लगाएंगे, और यहाँ पे चेक करके बता दूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं 1.8 का यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। इस वाले वोल्टेज को हम लेंगे 1.8 वाले वोल्टेज को, तो ये जो बाजू में दिख रहा है आपको मतलब, तो यहाँ पे जो रजिस्टर है यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज आ रहा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ये जो बाजू में जो डॉट बना हुआ है इस डॉट से हम सीपीयू को वोल्टेज डिवाइड करके देंगे जो कि हमारा 0.7 का वोल्टेज होता है जो कि सीपीयू को देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए कैसे बनाना है उसको देखेंगे। तो सब पीसीबी का बाजू रख देते हैं और मेन बोर्ड में हमको बनाना है। तो यहाँ पे हम दो रजिस्टर्स लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा A50 का सब पीसीबी है, और इसके अगर आप थर्मिस्टर और रजिस्टर देखोगे तो यहाँ लगे होते हैं थर्मिस्टर और एक रजिस्टर। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कैसे बाईपास करना है। अब ये दो रजिस्टर्स को लेकर के हम बाईपास करेंगे, तो एक थर्मिस्टर ले लेंगे और दूसरा यहाँ पे रजिस्टर ले लेंगे। थर्मिस्टर जो लगा होता है पैरेलल सर्किट में लगा होता है, पता ही होगा आपको, चार्जिंग सेक्शन में हमेशा आपको पैरेलल में मिलेगा। तो दो रजिस्टर्स यहाँ पे हमने ले लिए हैं,
मतलब एक हमारा थर्मिस्टर और दूसरा हमारा रेजिस्टर, दोनों को मैंने निकाल लिया है। कितना वैल्यू का है एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रजिस्टर, हंड्रेड के का आ रहा है रजिस्टर, और थर्मिस्टर का भी चेक कर लेते हैं। ये भी देख सकते हैं हंड्रेड के आसपास इसका भी वैल्यू आ रहा है, क्योंकि अभी ये गर्म है। रूम टेम्परेचर के हिसाब से इसका वैल्यू हमको मिलता है 85 किलो ओम्स बता रहा है, मतलब हंड्रेड के आसपास। तो ये दो रजिस्टर हम लेंगे और इन दोनों को लेकर के अभी हम डिवाइडर सर्किट बनाएंगे। तो एक रजिस्टर यहाँ रख लेता हूँ। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। वीडियो स्किप मत करिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक थर्मिस्टर को हम फिक्स कर देंगे और एक रजिस्टर ले लेंगे, और रजिस्टर जो होगा हमारा यहाँ पे लगेगा जहाँ पे 1.8 का इसको वोल्टेज देंगे, और उसके बाद थर्मिस्टर को इसको कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ, और जो दोनों के बीच से जो सप्लाई आउट होगी वो हम देंगे इस वाले पॉइंट पे जो कि हमारा सीपीयू में लाइन जाती है। चलिए पहले दोनों को सेट कर लेते हैं। चलिए थर्मिस्टर को एक पहले ग्राउंड दे देते हैं। ग्राउंड कहीं से भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे जो कनेक्टर के बाजू में होता है इसका ग्राउंड ही होता है, तो यहीं से ग्राउंड दे देते हैं और इस वाले पिन को हम थर्मिस्टर से जोड़ देते हैं।
थर्मिस्टर हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब एक रजिस्टर जो है हमारा R1 जो कि 100K का है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक सिरा CPU के साथ कनेक्ट करेंगे जो CPU में जा रही है, और यही लाइन हमारी थर्मिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। सिंपल सा सर्किट बनाएंगे, तो थोड़ा सा फ्लक्स ले लेंगे। तो ये हमारा R1 जिसमें से वी इन होकर के 128 यहाँ पे आएगा और यहाँ से ड्रॉप होगा और यहाँ से वापस CPU में जा जाएगा। तो अब हम CPU में जाने वाली लाइन को भी जम्पर कर लेंगे। इसको हमें यहाँ तक जम्पर कर देना है। एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे टच नहीं होना है। यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे हमारा जो CPU में जा रही ट्रैक और यहाँ पे 128 का वोल्टेज आता है। यहाँ देख सकते हैं R1 के इनपुट में 330 का वैल्यू है और जो हमारा R1 का आउटपुट है वहाँ पे 700 के आसपास GR में रहा है जो कि थर्मिस्टर पे। अभी हम इसको हॉट टेस्टिंग भी करके आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा सा सर्किट को मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पर हम थोड़ा यूवी ग्लू लगा लेंगे और यूवी ग्लू लगा करके हम वोल्टेज देकर भी चेक करेंगे। ये दोनों लाइन मिलने नहीं चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा यूवी ग्लू यहाँ डाल लेते हैं।
सर्किट बनाया कैसे मैंने, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। तो पावर एसी से जो 1.8 की लाइन आ रही थी, यहाँ पे मैंने R1 100 लगाया, थर्मिस्टर को ग्राउंड कर दिया, और ये जो लाइन जा रही है हमारे CPU में, जो कि A13 बैट थर्म के नाम से 0.9 का वोल्टेज इसको मिलना चाहिए। तो चलिए एक बार हम चार्जर भी लगा लेते हैं और चार्जर लगा करके अभी चेक करेंगे। ये हमारा सब बोर्ड में देख एक बार दिखाना चाहूँगा, कोई कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ नहीं है जिसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देख सकते हैं R1 और R2 हमारा थर्मिस्टर दोनों यहाँ से मिसिंग है, तो इसी को यहाँ पे डाल देता हूँ बोर्ड में। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है और देख सकते हैं यही वाला बोर्ड है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ठीक है। तो चलिए बैटरी लगा लेते हैं और बैटरी लगा कर चार्जर लगाएंगे और यहाँ पर R1 Vin का वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं R1 जो था हमारा यहाँ पे 1.8 का यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल रहा है, और आउटपुट में अगर देखोगे इस वाले थर्मिस्टर पे यहाँ पर 0.6 और 0.8 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है, मतलब हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है। तो चलिए चार्जर लगा लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो आ चुका है, और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट में आप देख सकते हैं 1.8 पूरा का पूरा मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर कोई डाउन नहीं है। और इतनी देर में यहाँ पे चार्जिंग टेम्परेचर लो का एरर आ रहा था और 0.6 होकर के वो 0.2 ऐसे एम्पियर डाउन हो रहा था, बट अभी 1.6 पूरा कंज्यूम्ड है और यहाँ पर कोई एरर नहीं है और हमारा जो प्रॉब्लम था फ्रेंड्स ये सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि नीचे के सब बोर्ड में अगर डिवाइडर सर्किट ना हो तो आप ऊपर के बोर्ड में ये सर्किट कैसे बना सकते हैं। आपको फ्लक्स और सब बोर्ड चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, FPC कनेक्टर जो नीचे जाती है पट्टी उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सैमसंग के मोबाइल में आप इस तरह का एक डिवाइडर सर्किट बना करके चार्जिंग टेम्परेचर लो या टेम्परेचर हाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे हमने लाइव इसमें डिवाइडर सर्किट के थ्रू इस प्रॉब्लम का सलूशन किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और क्या प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल्स आते हैं सारे मार्केट के आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देख सकते हैं ये सारे काउंटर प्रॉब्लम्स आते हैं जो लाइव हम यहाँ पे रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को, इसी में से सोल्यूशन मिलते हैं। अभी ये देख सकते हैं इस तरह के डबल लेयर वाले बोर्ड भी आते हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं जो कि लाइव यहाँ पे सर्विस सेंटर में आते हैं। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग है, ऑनलाइन में मैं आपको एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेनिंग देता हूँ और ऑफलाइन अगर आकर के आप हमारे यहाँ पर सर्विस सेंटर में सीखना चाहते हैं, यहाँ पे 2-3 टेक्नीशियंस होते हैं डेली लाइव मोबाइल रिपेयर होते हैं, उनके साथ बैठ करके आप काम सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फॉल्टी मोबाइल है तो वो भी अपने साथ लेकर आइए, आप ही के हाथों वो सारे मोबाइल हम आपसे रिपेयर करवाएंगे। कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, स्कीमेटिक के थ्रू, मल्टीमीटर के थ्रू, DC के थ्रू और DSL के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बताएंगे चार्जिंग स्कीमेटिक पोर्ट से कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, सारा कुछ हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।